नमस्ते मित्रों, कार 24x7 में आपका स्वागत है। सभी भाइयों को ईद मुबारक। आज तो हम देखने वाले हैं गाड़ी की सर्विसिंग करने वाले हैं। गाड़ी है मारुति की सियाज गाड़ी है और उसकी सर्विसिंग करने वाले, जैसे कि मैंने ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, जैसे कि मैंने ये देखो वाइफर ब्लेड, ऑयल फिल्टर और एसी फिल्टर मैंने ला लिया है। तो हम और ये कूलेंट का वाटर भी है और वो ह्यूंडसिल वाटर भी है, तो वो डालेंगे अभी। तो चले देख सकते हैं आप ये गाड़ी, मैंने ये देखिए गाड़ी सियाज है। जैसे कि मित्रों इंडिया में कोरोना चालू है तो प्लीज़ अपने हाथ धोइए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का वापर किए। तो हम देखने वाले हैं आज हम इसका ऑयल चेंज करने वाले, ऑयल फिल्टर चेंज करने वाले और एयर फिल्टर चेंज करने वाले, एसी फिल्टर चेंज। तो इसी तरीका मैं बता सकता हूँ आप कम खर्चे में आपकी गाड़ी की सर्विसिंग कर सकते हैं। तो चलो देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्टार इन के लिए वाली T45 नंबर की स्टार इन लाइन की T45 और चीटा मिलने वाली। और नीचे देख सकते हैं मैंने ऑयल ड्रेन के लिए मैंने टोकरा लग दिया। तो अभी करेंगे ऑयल चेंज। मैंने खोल लिया है, अभी ऑयल ड्रेन होने वाला है। ट्वेंटी सेवन एम एम का बॉक्स लेके हम ऑयल फिल्टर खोलने वाले हैं। तो नीचे का ऑयल ड्रेन होने से पहले तक तब हम इसका ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे। हमने फिल्टर खोल लिया है और फिल्टर की क्या यहाँ पे, तो फिल्टर खोलने से उसमें एक रिंग आती है, वो रिंग बदलना ज़रूरी है, चेंज करना ज़रूरी है। फिल्टर ये ऐसा बैठता है। जैसे कि ये रिंग निकालने वाली है, पुरानी रिंग है फेंक देंगे, नई रिंग है। नई रिंग बैठ गई, तो ये रिंग तो हमको नया ऑयल लगाने वाली है, थ्रेडिंग में धूल मट्टी मत जाने का। नया ऑयल लिया वाला ये रिंग पूरा लगा लूँगा अच्छे से, जो कि अच्छी टाइट हो जाए। जैसे कि हमने ऑयल फिल्टर फिट किया, अभी नीचे का ड्रेन प्लग लगाने वाले। जैसे कि मैंने ड्रेन प्लग पूरा क्लीन कर लिया है, इसकी थ्रेड में के पूरी मट्टी मिट्टी निकाल दी है, अब मैं इसको लगाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने लगा दिया है, अब इसको फुल टाइट करके लो लूँगा। जैसे कि मैंने ड्रेन प्लग टाइट कर लिया है और उसकी पूरा क्लीन करके लिया रखा है, क्योंकि अपने को पता चले कि लीकेज है कि नहीं, इसलिए मैंने पूरा क्लीन करी, क्योंकि कई बार उसके अंदर की रिंग कट जाती है और अब उसका लीकेज शुरू हो जाता है। तो ये देख के लगाने का और देख के टाइट करने का है। अभी मैंने इसको टाइट कर दिया है, ऑयल डाल के देखेंगे। जैसे मैंने फुल्ली सिंथेटिक ऑयल लिया वाला सेल का, 3.5 लीटर ऑयल बैठता है सियाज में डीजल, ये देख सकते हैं, इसके एम आर पी भी देख सकते हैं। तो ये डालेंगे, ये कम से कम 12 या 13 हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, समझो 10 हज़ार को सर्विसिंग होता है तो ये 13 हज़ार को सर्विसिंग कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा रनिंग होने के बाद भी आप ये इसको गाड़ी को चला सकते हैं।
से कि हमने ऑयल डाल दिया है, अब चेंज करने वाले हैं हम एयर फिल्टर। फोर पॉइंट स्क्रू से एयर फिल्टर के चारों स्क्रू खोल लेने के और एयर फिल्टर बाहर निकालने के। जैसे कि हमने एक स्क्रू खोल लिया है, अब एयर फिल्टर निकालने वाले। देखिए ये देखिए एयर फिल्टर पूरा चौक है, और ये देखिए इसमें ऐसे ऐसे पन्नी बिन्नी खींच लेता है वो रनिंग में। ये रोड पे किसी तो भी पन्नी है जो उसने खींच ली, तो एयर फिल्टर भी फेंक देंगे हम और ये पूरा इसे क्लीन कर देंगे अंदर से। जैसे कि हमने जिन एयर फिल्टर लाया है अब ये बिट फिट कर देंगे। जैसे कि एयर फिल्टर हमारा ऑफ हो चुका है, हमने डाल दिया, अभी इसका कूलेंट लेवल कम है तो हम टॉप अप करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, खाली टॉप अप करेंगे कूलेंट इसमें। जैसे कि हमने टीवीएस का ही कूलेंट इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रांडेड कूलेंट है, और ये फुल के लेवल के रखने का थोड़ा कम है इसमें। अभी बचे वाला कूलेंट हम कस्टमर को दे देंगे और बाकी का गाड़ी का जैसे ही कम लगेगा कस्टमर उसमें टॉप अप कर देगा। और आज भी देख अब बैटरी का लेवल वाटर चेक करने वाले हैं। वाटर फुल है क्योंकि अमरान बैटरी है, इसका ज़्यादा तो एसिड कम नहीं होता, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं, बैटरी नहीं है। अभी इसका हम कार्बन देखेंगे, ये कार्बन होने से बैटरी चार्ज होके भी स्टार्ट होती नहीं है, तो हम पहले उसके डिस्टिल वाटर से उसका पूरा कार्बन साफ कर देंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का, ताकि टर्मिनल अपने अच्छे बने रहे। ये शायद पहले बैटरी का एसिड है जो कार्बन एसिड आके उसने टर्मिनल ख़राब कर दिए कार्बन लाके, तो हम फिर इसको एक बार जेली लगा देंगे, वैसलिन पेट्रोलियम जेली है, हम वो टर्मिनल को लगा देंगे। जैसे कि हम और उसका ब्रेक का लेवल चेक करेंगे, ये देख सकते हैं आप फुल लेवल उसका कोई ज़रूरत नहीं है, और ब्रेक पैड के ब्रेक पैड भी देख चेक सकते हैं। ये देखिए ब्रेक पैड की भी लेंथ अच्छी है, ब्रेक पैड की लेंथ अच्छी है, इसी वजह से ब्रेक पैड चेक करने की ज़रूरत नहीं, ब्रेक पैड लेवल अच्छी है। इसकी लेंथ अच्छी है, इनसे ब्रेक पैड की ज़रूरत नहीं है। बाकी और हम अभी विंडशील्ड में विंडशील्ड क्लीनर डालने वाले, जो कि बारिश का मौसम आने शुरू होने वाला है तो विंडशील्ड क्लीनिंग डालना ज़रूरी है, क्योंकि बारीक मट्टी से कैसे आ सकते हैं। और इसके साथ हमको डालना है, एक तो डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं या प्योर फिल्टर वाटर, या इसको बोर का पानी कभी भी नहीं डालने का है, क्योंकि बोर से पानी से ऊपर के नोजल जो रहते कांच पे पानी मारने वाले वो चोक हो सकते हैं, तो हमको इसको पीने का पानी डालने का है फिल्टर वाला या डिस्टिल वाटर डालने का। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वाइपर ब्लेड चेंज कर दिए, जो मेरे पिछले वीडियो में बताया वाला मैंने वाइपर ब्लेड कैसे आप घर पे चेंज कर सकते हैं वो देख लीजिए, उसमें समझ आएगा मैंने वाइपर ब्लेड नहीं डाल दिए और इसकी पट्टी निकाल दी। तकरीबन हमारा सर्विसिंग चेकअप सब हो चुका है, क्योंकि अभी हम इसका लीकेज से देख लेंगे, ऑयल फिल्टर से या ड्रेन प्लग से कोई लीकेज होकर चेक कर लेंगे, कोई लीकेज नहीं है, आप हाथ लगा के ठीक कर सकते हैं, तुरंत समझ में आ जाता है कोई लीकेज नहीं है। अब गाड़ी कम से कम 15-20 मिनट ऐसे ही रखेंगे हम, और कोई लीकेज वीकेज हो सकता है कि चेक करेंगे। जैसे कि मैंने देख लिया
देखिए गाड़ी की रीडिंग 50,000 है, तो हम 80,000 को इसका अपने डायनामो का बेल्ट चेंज करने वाले और एसी बेल्ट चेंज करने वाले, और 1,00,000 किलोमीटर के बाद अगले 1,10,000 1,20,000 को हम टाइमिंग चेंज करने वाले, पूरा सेट टाइमिंग चेंज करने वाले। तो अभी हम एसी फिल्टर तब तक गाड़ी चालू रखेंगे और एसी फिल्टर तब तक चेंज करने के चलेंगे। अब हम एसी फिल्टर चेंज करने वाले, मैंने टीवीएस का एसी फिल्टर लगाया है, ये जिन में आता है टीवीएस, तो मैंने ग्लो बॉक्स खोल लिया और दोनों निकाल ले, दोनों साइड से थोड़ा प्रेस करके ग्लो बॉक्स निकाल लूँगा, निकाल के नीचे रख दूँगा। आप देख सकते हैं ये अंदर लॉक सेट है, ये देखिए ढिला पड़े वाला है इसका, ये लॉक शायद बराबर लॉक नहीं किया वाला, इसलिए अंदर की मट्टी धूल इसके अंदर खींच लेता है। ये देखिए ये फिल्टर का, ये देख सकते हैं ए सी फिल्टर है, ये हम निकल के फेंक देंगे और नया फिल्टर लगा देंगे। तो पहला एयर फिल्टर में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, स्पेस कम था, तो हमने फिर चेंज करके इसका ही एयर फिल्टर लाया। तो एयर फिल्टर का ये नाम उसका सीधा होना चाहिए और यूपी बोलता है, यूपी ऊपर एयर होना चाहिए, जैसे कि मैंने लगा लिया और वो फिर हम इसको कैप लगा देंगे। जैसे कि हमने कैप लगा दी, ये देखिए फिक्स हो गई कैप, हिलती नहीं, पैक बैठना चाहिए, और हम ग्लो बॉक्स लगा देंगे। जैसे कि हमने ग्लो बॉक्स लगा दिया, टोटल कॉस्टिंग हो गई ये पार्टों की 3,530 रुपये, उसमें हमको 30 रुपये डिस्काउंट दिया ऑटोमोबाइल वाले ने, और हमने इसका टोटल अभी का गाड़ी का टोटल सर्विसिंग का लेबर लिया 500 रुपये, तो टोटल गाड़ी का खर्च आ गया है 4,000 रुपये। तो वॉशिंग और अलाइनमेंट ये कस्टमर करेंगे, उनके फुर्सत से हम नहीं बता सकेंगे, वो उनका जितना अच्छा अलाइनमेंट करता है वही भेजेंगे हम। तो ये पूरा खर्चा आ सकता है गाड़ी की सर्विसिंग। जैसे कि गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसका हमने टोटल चेकअप और सर्विसिंग कर दी है, अभी खाली गाड़ी बॉडी वॉश और इंजन वॉश हो के अलाइनमेंट हो के कस्टमर के हाथ में। तो ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहे और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर। थैंक यू। गाड़ी सर्विसिंग होके निकल रही है।